महाशिवरात्रि है, तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। आज शिवरात्रि का महापर्व है और आज मैंने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले शिवरात्रि था तो मंदिर गई, पूजा की नहा वहा करके, क्योंकि शिवरात्रि के दिन पूजा करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज मैं पूजा कर ली हूँ और पूजा करके अभी जस्ट लौट ही रही थी। तो आज मैंने ये न्यू कैप वेयर किया है जो मैंने मार्केट से लिया था सहारनपुर वाले, पिछले व्लॉग में आप देखिएगा। तो फर्स्ट टाइम पहना है मैंने इसे, तो कैसा लग रहा है? और शिवरात्रि था तो मंदिर गई तो काफ़ी मुझे भूख भी लग गई थी क्योंकि सुबह से कुछ खाई नहीं, पूजा के चक्कर में सारा कुछ काम वाम थोड़ा वो था तो करके इसलिए मुझे लेट हो गया। तो मैं जा रही हूँ अभी जूस पीने, तो जाते हैं देखते हैं जूस वाला खुला है या नहीं है, तो चलते हैं उसके बाद फिर जूस पियेंगे। शिवरात्रि का दिन था, जूस तो मिलना चाहिए था हर जगह पे, फ्रूट वगैरह, बट यहाँ ना मतलब कुछ फ्रूट मिल रही है ना ही जूस मिल रहा है। आई थिंक मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा जूस के लिए और फ्रूट वगैरह के लिए क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगी है। पता नहीं मुझे दूर दूर तक यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वरना पूरे दिन भूखे ही रहना पड़ेगा। एक तो शिवरात्रि का फास्ट है मेरा आज, इसलिए शायद आपको आवाज़ भी मेरी कम सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ ना, इसलिए सॉरी फॉर डैट कि वॉइस क्लियर नहीं आ पाएगी क्योंकि आज मैं बहुत धीमे बोल रही हूँ। जूस वगैरह पी लूँगी ना फिर मेरी वॉल्यूम में लाउड आ जाएगा। तो फिर चलते हैं ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा फ्रूट वगैरह, एक दिखा है मुझे, बहुत दूर है, जाना पड़ेगा चल के। चलिए चलते हैं, जूस ढूंढते ढूंढते जूस तो मिला नहीं, बट ये पता नहीं चलते चलते वो जो भैया बांटते रहते हैं ना उन्होंने थमा दिया इसमें साथ। गुरु आलम साह करके कोई पंडित का वैसा नाम है बट मेरे कोई काम का नहीं। मिला एक जूस वाला मिला, चलिए चलते हैं जल्दी से, तभी से चल रही हूँ बट अभी तक दिखा नहीं, धूप भी काफ़ी हो रही है इसी कारण मैंने ऐसी नहीं हो क्या अपीयर किया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। गाइस फाइनली हमारे पीछे जूस कॉर्नर मिल गया, चलिए पूछते हैं चलते। और मौसमी कैसे है? मौसमी के जूस कैसे है? 40। और अनार का? अनार का 60 रुपये एक अनार का कर दीजिए, पीना है अभी। ओके टाइम लगेगा क्या अंकल? यहाँ पे मुझे जूस मिल चुकी है ये अंकल के पास और 5 मिनट लगेगा अभी जूस जूसने में, तो मैंने अनार का जूस किया है तो फिर पीते हैं। बहुत वीकनेस टाइप का भी आ रहा है मुझे आज। हमारा जूस रेडी है देख सकते हैं अनार का। तो नमक है अंकल? बिना नमक के है। अच्छा नमक नहीं है, ओके तब ठीक है। तो आज बिना नमक वाला जूस क्योंकि फास्ट है तो नमक डाल नहीं सकते, तो बिना नमक वाला जूस लेते हैं। जूस आज पहली बार पी रही हूँ क्योंकि मैं तो मौसमी का जूस पीती थी, पता नहीं कैसा लगेगा कड़वा सा। सही था तो मैंने पी लिया है। अंकल पैक कर दीजिएगा मेरा, खत्म हो चुकी है और अब हम अंकल से नेक्स्ट जूस पैक करवा रहे हैं, तो मौसमी वाली और मिक्स वाली। मौसमी वाली तो मुझे पता है टेस्ट कैसा होता है बट मिक्स वाला का टेस्ट मुझे पता नहीं है, तो वो मैंने पैक करवा लिया, वो रूम पे ट्राई करेंगे। चलिए तो पहले पैक हो जाती है फिर चलते हैं। ये अंकल मिक्स जूस तैयार कर रहे हैं जिसमें संतरा, ये क्या अंकल? पाइनएप्पल और ये मौसमी, और भी कुछ इंग्रेडिएंट होगा? बस अनार इसमें डाल रखा है। अच्छा अनार पहले से है उसमें, तो ये 4 मिक्स करके उसके बाद अंकल बनाएंगे। मेरा मिक्स फ्रूट वाला जूस रेडी हो रहा है, अंकल तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जूस रेडी हो चुका है और मैंने पैक करा लिया है जूस को, और अब आप मेरे वॉइस में कुछ एनर्जी देख रहे होंगे। रियली मतलब अनार का जूस पी करके ना काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी अंदर से वैसा पावर आता है मुझे। मतलब सोची फ्रूट वगैरह ले लूँ, लेकिन फ्रूट वगैरह में तो बहुत आग लगा रखा है इन्होंने, फेस्टिवल है ना, 100 रुपये किलो ऐसे करके दे रहे हैं ये लोग।
मतलब ऐसे बनाना वगैरह 40 रुपये ऐसे 50 दर्जन मिलते हैं, लेकिन नहीं आज के दिन 80 रुपये दर्जन मिल रहा है। फिर भी लेना तो पड़ेगा ही, भूख जो लगी है, फेस्टिवल भी है, इसीलिए मुझे कल ही ले लेना चाहिए, ध्यान नहीं था मेरा, मैं लेकिन आज ही ले लेती हूँ, क्या करूँ अब, ज़्यादा नहीं लूँगी, कम ही लूँगी, लेकिन ले लूँगी। तो फ्रूट वगैरह लेके फिर चलते हैं रूम पे, क्योंकि मैं काफ़ी थक भी गई हूँ चलते चलते, क्योंकि मुझे जूस का दुकान काफ़ी दूर जा कर के मिला था, तो पहले फ्रूट ले लेती हूँ उसके बाद फिर रूम पे चलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने जूस ले लिया है एंड फ्रूट भी ले लिया है, तो अब चलते हैं रूम पे। एंड हाँ, आप लोग भी शिवरात्रि के दिन जूस पिएं, फ्रूट खाएं एंड तंदुरुस्त रहें एंड हमारे वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो लाइक करके ज़रूर बताएं, एंड कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारी कैप कैसी लगी आज न्यू वाली ये भी बता दीजिएगा, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई तरीके से, तो जाते हैं अभी हम रूम पे। ओके बाय।